ये एनिलिडा है। एनिलिड्स किसे बोला जाता है? देखो, जिसमें अर्थवर्म वगैरह ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज एनिलिड्स। एनिलिड्स के अंदर क्या हो जाता है? उनकी जो बॉडी रहती है वो सेगमेंटेड बॉडी रहती है। सेगमेंटेड बोले तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऐसे बोला जाता है उसको, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उसको सेगमेंटेड बॉडी ऐसे बोला जाता है। बॉडी इज अ सेगमेंटेड। देन दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग है जिनके बॉडी के अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म ऐसे तीन टाइप के जर्म लेयर्स रहते हैं, उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे बोला जाता है, यानी जहां पर तीन जर्म लेयर्स रहेंगे उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे बोला जाएगा। ठीक है। देन बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्री का मीनिंग क्या है? देखो, तीन टाइप की सिमेट्री रहती है, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और असिमेट्री। असिमेट्री बोले तो इररेगुलर शेप्ड जो एनिमल रहता है उसको असिमेट्री बोला जाता है। जैसे अमीबा, अमीबा को डेफिनेट शेप नहीं रहता है, साइज नहीं रहती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिकल। उसको असिमेट्रिकल ऐसे बोला जाता है। रेडियल सिमेट्री जैसे सिलेंटेरेटा के अंदर आ जाती है। रेडियल बोले तो जो ऑर्गेनिज्म को सेंटर में से कट करने के बाद उसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं, मगर कट कौन से भी प्लेन के थ्रू जाना चाहिए, उसको रेडियली सिमेट्रिकल ऐसे बोला जाता है। और बायलैटरल सिमेट्री किसे बोला जाता है? जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को कट करने के बाद उसके एक ऑर्गेनिज्म को कट करने के बाद दो पार्ट बनते हैं, दो इक्वल पार्ट्स बनते हैं, मगर वो कट एक स्पेसिफिक प्लेन के थ्रू ही जाना चाहिए। एक ही जगह से अगर कट करने से ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट बन जाते हैं तो ऐसे बॉडी को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। देन उसके बाद में ये यूसिलोमेट, यूसिलोमेट का मीनिंग है दीज आर कॉल्ड एज ट्रू सिलोमेट। उनके बॉडी के अंदर जो सिलोम रहती है वो ट्रू टाइप की सिलोम रहती है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज ट्रू सिलोमेट, जिनमें सिलोम ट्रू रहती है। असिलोमेट, सिडोसिलोमेट और सिलोमेट ऐसे तीन टाइप के एनिमल्स रहते हैं। इनमो सिलोम ट्रू रहती है, इसीलिए ये एनिमल को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज ट्रू सिलोमेट। अब उसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? देखो, अर्थवर्म उसका एग्जाम्पल है या लीच उसका एग्जाम्पल है? अर्थवर्म और लीच उसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है। अब बॉडी ऑफ दिस एनिलिड्स इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। देखो, अभी मैंने बताया सेगमेंटेड बॉडी रहती है एनिमल्स की, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, वो कंडीशन को मेटामेरिज्म ऐसे बोला जाता है। यानी जैसे अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर आप देखेंगे तो छोटे 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 सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, वो कंडीशन को मेटामेरिज्म ऐसे बोलते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में कुछ एनिलिड्स के अंदर, मेनी एनिलिड्स के अंदर दे आर हैविंग फ्लूइड
फ्लेशी अपेंडेजेस ऑन देयर बॉडी सरफेस, ऐसे लैटरल अपेंडेजेस रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैरापोडिया, वो अपेंडेजेस को पैरापोडिया ऐसे बोला जाता है। एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ पैरापोडिया, दीज पैरापोडिया दे बिकम्स लोकोमोटरी इन फंक्शन, वो लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, दे आर लोकोमोटरी इन फंक्शन। ठीक है, अब उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं, दीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज नेफ्रिडिया, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, नेफ्रिडिया ऐसे बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो एनिलिड्स रहते हैं, द एनिलिड्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एनिलिड्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। एंड उनके मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल का मीनिंग है उनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उनको बायसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट और मोनोसियस ऐसे बोला जाता है, बट मे बी यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, मगर वो यूनिसेक्सुअल भी रह सकते हैं या डायोसियस भी रह सकते हैं। ठीक है, देन दे आर ओविपैरस, ओविपैरस का मीनिंग क्या है, दे आर एग लेयर्स, और वो जो एग रखते हैं उसकी जो जगह रहती है दैट इज कॉल्ड एज ऊथिकी, ऊथिकी बोले तो उसके फीमेल बॉडी का जो पार्ट रहता है वो पार्ट को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऊथिकी, फीमेल बॉडी पार्ट को ऊथिकी ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फाइलम एनीलिडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनीलिडा। अब उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, हाउ दे गेट क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाई किया कैसे जाता है, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सीटी, सीटी बोले तो क्या रहते हैं, सीटी आर नथिंग बट द लोकोमोटरी पार्ट्स, विथ द हेल्प ऑफ सीटी वो क्या कर देते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीटी फाइलम एनीलिडा इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, फाइलम एनीलिडा तीन क्लासेस के अंदर क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज पॉलीचीटा, then another one is called as oligochita and next one is called as hirudinia, ऐसे क्लासेस रहते हैं। अब पॉलीचीटा बोले तो जिसके अंदर नेरिस नाम का ऑर्गेनिज्म आ जाता है दैट इज यूनिसेक्सुअल, ओलिगोचिटा बोले तो जिसके अंदर फेरिटीमा पोस्टुमा यानी अर्थवर्म आ जाता है दैट इज द बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एंड हिरुडिनिया बोले तो दैट इज कॉल्ड एज हिरुडोनारिया, दैट इज लीच नाम का ऑर्गेनिज्म आ जाता है विच इज बायसेक्सुअल इन नेचर, जिसका बायसेक्सुअल नेचर रहता है। तो ये फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब उसमें जो अर्थवर्म आता है ना, वो अर्थवर्म थोड़ा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रहता है, तो अर्थवर्म के कैरेक्टर्स क्या रहते हैं,
देखो अर्थवर्म का इम्पोर्टेंस क्या है। अर्थवर्म दैट इज कॉल्ड एज पेरिटेमा पोस्टुमा, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज या इट इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल, उसको फ्रेंड ऑफ द फार्मर ऐसे बोला जाता है, उसको फ्रेंड ऑफ द फार्मर बोलते हैं। और उसकी जो स्किन रहती है वो ब्राउन रहती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉर्फिरिन पिगमेंट। उसके स्किन के अंदर एक पिगमेंट रहता है एंड द नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज पॉर्फिरिन, एंड दिस पिगमेंट प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अर्थ हम जनरली देखो लाइट को ज्यादा एक्सपोज नहीं हो जाता, क्योंकि उसके अंदर जब वो इसको एक्सपोज हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्सपोज हो जाता है, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर या उसके स्किन के अंदर या उसके कवरिंग के अंदर एक पिगमेंट रहता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पॉर्फेरिन। ये देखो ये पॉर्फेरिन नाम का पिगमेंट रहता है। अब अर्थवर्म के अंदर सिस्टम कौन सी रहती है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे रहती है। कोई भी एनिमल के अंदर दो टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है, वन इज कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मगर अर्थवर्म के अंदर जो रहती है दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज्ड टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। एंड उसका जो हीमोग्लोबिन रहता है दैट हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर क्या रहता है, डिसॉल्व्ड रहता है। अब अर्थवर्म कैसा है, तो दैट इज वन ऑफ द बायसेक्सुअल एनिमल। बायसेक्सुअल एनिमल बोले तो उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, दैट इज मेल इज कॉल्ड एज टेस्टिस एंड फीमेल इज कॉल्ड एज ओहरी। ऐसे दोनों सेक्स ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए अर्थवर्म को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल। ठीक है, अब उसमें जो टेस्टिस रहते हैं वो टेस्टिस रहते हैं 10th to 11th सेगमेंट, उसके बॉडी का 10th से लेकर 11th तक जो सेगमेंट्स रहते हैं वो बॉडी पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस के। टेस्टिस यानी मेल सेक्स ऑर्गन रहता है। फिर बॉडी के 13th सेगमेंट के अंदर उसके फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ओथिकी। उसको ओथिकी ऐसे बोला जाता है या ओहरीज। ओहरीज बोले तो दीज आर नथिंग बट द फीमेल गोनैड्स, उसको ही फीमेल गोनैड ऐसे बोला जाता है। अब अर्थवर्म डू नॉट अंडरगो मॉल्टिंग। मॉल्टिंग बोले तो शेडिंग द स्किन, स्किन शेड कर देना, उसको मॉल्टिंग ऐसे बोला जाता है। एंड दे एक्सक्रीट यूरिया, और वो यूरिया एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। अर्थवर्म को पॉपुलरली फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स ऐसे बोला जाता है, क्योंकि अर्थवर्म सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज करके फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं, इसीलिए उसको फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स ऐसे बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट द फाइलम एनीलिडा। ये एनीलिडा फाइलम के बारे में हो गया। ये एनीलिडा के बाद में कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइलम। वो नेक्स्ट टाइप का फाइलम जो है दैट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा, उसको आर्थ्रोपोडा ऐसे बोला जाता है। अब ये जो आर्थ्रोपोडा नाम का जो फाइलम है दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि इसके अंदर जो एनिमल्स आ जाते हैं दे आर शोज द ग्रेट वेरिएशंस।
बहुत सारे टाइप के जो एनिमल्स रहते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इसीलिए उसको दैट इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में से 2/3 भी बोल सकते हैं, 2/3 ऑफ एनिमल ऑफ होल एनिमल किंगडम में के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं, तो फाइलम एर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखो इसके भी जो मेंबर्स हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग ये है कि दे आर हैविंग एक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसे 3 जर्म लेयर्स जिसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। देन दे नेक्स्ट दे आर कॉल्ड एज होमोसिलोमिक। होमोसिलोमिक यानी उनके बॉडी के अंदर ब्लड के कैविटीज रहते हैं, इसीलिए उनको होमोसिलेमिक ऐसे बोला जाता है। देन दे आर द सेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट्स। ये सेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्या रहते हैं, सेगमेंट्स रहते हैं, इसीलिए उनको सेगमेंटेड इनवर्टिब्रेट्स ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट दे हैव अ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड लेग्स। उनके अंदर काइटेनियस एक्सोस्केलेटन रहता है या जॉइंटेड लेग्स भी रहते हैं। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन बोले तो उनके बॉडी के ऊपर जो टफ कवरिंग रहती है, जैसे हम देखो उसके कॉकरोच के ऊपर देखते हैं, स्कॉर्पियन के ऊपर देखते हैं, ऐसे जो एनिमल्स रहते हैं जिनकी बॉडी की आउटर कवरिंग, एंट्स के ऊपर देखते हैं, बटरफ्लाई के ऊपर देखते हैं, जिनकी बॉडी की कवरिंग एकदम हार्ड रहती है और टफ रहती है, इसीलिए उनका जो एक्सोस्केलेटन रहता है वो काइटिन नाम के केमिकल से बना हुआ रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज काइटेनियस एग्जोस्केलेटन। एग्जोस्केलेटन, एग्जो का मीनिंग रहता है आउटर। कौन स्क्रैचेस कर रहा हो स्क्रीन पे? काइटेनियस एग्जोस्केलेटन बोले तो उसका जो आउटर कवरिंग, एग्जो फॉर टू आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड में जो कवरिंग रहती है वो टफ बनी हुई रहती है, और वो किससे बनी हुई रहती है, तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन नाम ऑफ केमिकल, वो काइटिन नाम के केमिकल से बनी हुई रहती है, इसीलिए वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से बनी हुई रहती है। और उनके जो लेग्स रहते हैं दे आर द जॉइंटेड लेग्स, लेग्स जॉइंटेड रहते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स किस में रहते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। देखो आर्थ्रोस एंड पोडा, आर्थ्रोस फॉर जॉइंटेड एंड पोडा फॉर फीट। जॉइंटेड लेग्स जिसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा ऐसे बोला जाता है। अब उनकी जो बॉडी रहती है दैट बॉडी इज अ सेगमेंटेड। बॉडी सेगमेंटेड बोले तो बहुत सारे सेगमेंट के अंदर उनकी बॉडी डिविजिबल रहती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स इसके फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा नाम का क्लास लिया जाता है, और इंसेक्टा के अंदर क्या किए जाते हैं, सभी इंसेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। और देखो एनिमल में सबसे ज्यादा कौन है, तो इंसेक्ट्स है, तो इसलिए उसको फाइलम इंसेक्टा के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब इंसेक्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उनके अंदर जैसे कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच भी इंसेक्टा के अंदर ही आ जाता है, तो उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आ जाते हैं।
ठीक है। अब हीमोसिल नाम की तो कैविटी रहती है, ये पहले में ऊपर वाले कैरेक्टर में भी, इधर देखो देखो हीमोसिले में इधर भी कैरेक्टर आ गया है, तो उनके बॉडी के अंदर जो कैविटी रहती है दैट इज कॉल्ड एज हीमोसिन, एंड दैट कैविटी इज फिल्ड विथ द ब्लड, और इनका जो ब्लड रहता है दैट इज कलरलेस। आर्थ्रोपोड का जो ब्लड रहता है, इंसेक्ट्स का जो ब्लड रहता है वो कलरलेस ब्लड रहता है। अब इनका जो रेस्पिरेशन हो जाता है दैट रेस्पिरेशन इज ऑकर थ्रू द गिल्स, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो जाता है। जब गिल्स कब यूज करते हैं, जब वो वाटर में चले जाते हैं, नंबर ऑफ आर्थ्रोपोड के जो मेंबर्स रहते हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं, जब वो वाटर में रहते हैं तो द यूज्ड द गिल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए वो गिल्स को यूटिलाइज कर देते हैं। देन ट्रकिया, ट्रकिया दैट इज नथिंग बट अ वाइंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उनके अंदर वो वाइंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसके थ्रू भी वो क्या कर देते हैं, दे कैन कैरी इट आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ये थर्ड जो ऑर्गन रहते हैं उनके अंदर, दीज आर द बुक लंग्स। सॉइल के ऊपर जब आते हैं, लैंड के ऊपर जो एनिमल इंसेक्ट्स रहते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करवाते हैं। तो ऐसे रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू द गिल्स, ट्रकिया एंड बुक लंग्स। देन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसे रहती है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन टाइप। ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलर सिस्टम किसे बोला जाता है, कि जिसके अंदर ब्लड परमानेंटली एनक्लोज्ड नहीं रहता है, ब्लड बिकम्स आउटसाइड द ब्लड वेसल, उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे बोला जाता है। जिनका ब्लड वेसल के बाहर आ जाता है उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे बोला जाता है। एंड दैट ब्लड डज नॉट शो द डेफिनेट ब्लड वेसल्स, उसके अंदर डेफिनेट ब्लड वेसल्स नहीं रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, उसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऐसे बोलते हैं। अब इनके अंदर जो इंसेक्ट्स जो रहते हैं उनके अंदर जो ब्लड रहता है दैट ब्लड इज कलरलेस, जिसको हीमोलिम्फ ऐसे बोला जाता है। जो हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट रहता है वो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए वो जो ब्लड रहता है दैट इज द कलरलेस ब्लड, उसको हीमोलिम्फ ऐसे बोला जाता है। दैट ब्लड भी जैसे अदर एनिमल के अंदर कलर्ड ब्लड रहता है, वैसे इंसेक्ट्स के अंदर कलरलेस ब्लड रहता है। ठीक है। अब उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसे बोला जाता है, दीज ऑर्गन्स दे आर फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोला जाता है। एंड दीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर आइदर द ग्रीन ग्लैंड्स और मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, एक तो उनको ग्रीन ग्लैंड्स बोला जाता है या मालफीजियन ट्यूब्यूल्स ऐसे बोला जाता है, उसके थ्रू वो क्या कर देते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस कर देते हैं। अब एक्सक्रीशन किसे बोला जाता है, दैट इज द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब उनके अंदर मॉल्टिंग नाम की एक प्रोसेस आ जाती है। मॉल्टिंग का मीनिंग जैसे अभी हमने बताया कि अर्थवर्म के अंदर मॉल्टिंग नहीं रहती है, मॉल्टिंग का मीनिंग क्या है, दैट इज द शेडिंग ऑफ काइटेनियस कवरिंग ऑकर, काइटेनियस कवरिंग को शेड कर देना, शेड कर देना यानी रिमूव कर देना, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉल्टिंग, ऐसे एनिमल्स को मॉल्टिंग बोला जाता है।
वो कवरिंग को शेड करते हैं, फिर शेड यानी निकाल देते हैं, फिर उसके जगह में और दूसरी कवरिंग फॉर्म कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉल्टिंग। फिर जो एनिमल्स रहते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स रहते हैं। यूनिसेक्सुअल बोले तो आइदर दे आर हैविंग अ सिंगल सेक्स ऑर्गन और एग्जिबिट अ फिनोमिनन ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और उनके अंदर कुछ एनिमल्स रहते हैं, नहीं, यूनिसेक्सुअल का मीनिंग है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग है उनकी मेल बॉडी अलग रहती है और फीमेल बॉडी अलग रहती है, जिसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऐसे बोला जाता है। ठीक। एंड द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल, उसका जो फर्टिलाइजेशन रहता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहता है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंड जो एनिमल्स रहते हैं दिस एनिमल्स दे आर कॉल्ड एज ओवी पैरस, एनिमल्स ओवी पैरस रहते हैं। ओवी पैरस बोले तो दे आर द एग लेयर्स, जिनको एग लेयर्स ऐसे बोला जाता है, दे लेज द एग्स, वो एग लेइंग की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज एग लेयर्स। तो ऐसे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अभी फाइलम आर्थ्रोपोडा को क्लासिफाई भी किया जाता है, इट गेट डिवाइडेड। अब देखो ये कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसके क्लासेस कौन से रहते हैं, व्हाट अबाउट द क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो ये सबसे बड़ा, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम रहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। सो दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिवीजन एंड प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सर्टन अपेंडेजेस। बॉडी के अंदर कितने डिवीजन्स है, कितने अपेंडेजेस है, ये बेसिस के ऊपर उनको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखो उनमें सबसे पहला जो फाइलम आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज क्रस्टेशिया, उसको क्रस्टेशिया ऐसे बोला जाता है। दैट एग्जांपल इज कैंसर लोबस्टर्स। देन चिलोपोडा नाम का एक ग्रुप आता है, क्लास आता है, दैट इज एग्जाम्पल इज स्कोलोपेंड्रा। डिप्लोपोडा नाम का एक क्लास आता है, दैट इज कॉल्ड एज जेजुलस। और इंसेक्टा, ये देखो ये इंसेक्टा हेक्सापोडा, जिसके अंदर सिक्स लेग्स रहते हैं, जिसमें के अंदर कॉकरोच आता है, सिल्वर फिश आता है, हनी बी आते हैं और मस्कीटो आ जाते हैं, ये इंसेक्टा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर अरैकिडिना, अरैकिडिना के अंदर स्कॉर्पियन आ जाता है और स्पाइडर आ जाता है, इसका एग्जांपल एक तो स्कॉर्पियन होगा या स्पाइडर होगा। ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा के और कुछ जो कैरेक्टर्स है, दैट इज विंग्स आर वेस्टिजियल इन फीमेल ब्लैटा, दैट इज कॉकरोच, वाइल सिल्वर फिश इज विंगलेस इंसेक्ट। सिल्वर फिश ऐसा इंसेक्ट रहता है कि जिसको विंग्स नहीं रहते हैं, मगर बॉडी कैरेक्टर बाकी के आर्थ्रोपोडा से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। मस्क्यूटा के अंदर देखो देर इज प्रेजेंस ऑफ वन जॉनस्टन्स ऑर्गन दैट इज सेंसिटिव टू साउंड एंड इट इज प्रेजेंट इन इट्स एंटीना। साउंड को सेंसिटिव एक ऑर्गन रहता है मस्कीटो के अंदर, उसको जॉनसन्स ऑर्गन से बोला जाता है, और वो ऑर्गन के थ्रू वो साउंड सेंसेशन कर सकते हैं। देन मस्कीटो के अंदर दे हैव 15 सेगमेंट्स इन देयर एंटीना, उनके एंटीना के अंदर 15 सेगमेंट्स रहते हैं, एंड
मस्कीटो एक डिसीज कॉजिंग वेक्टर है, डिसीज कॉजिंग वेक्टर है बोले तो मस्कीटो के थ्रू वो डिसीजेस हो जाते हैं, जिसमें डेंगू आ जाता है, येलो फीवर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ईडीज मॉस्किटो। एंड लार्वा ऑफ कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई इज कॉल्ड एज मैगोट। कॉकरोच का और हाउस फ्लाई का जो लार्वा रहता है उसको क्या बोला जाता है, मैगोट ऐसे बोला जाता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, हाउस फ्लाई ट्रांसमिट करवा देते हैं, कौन से डिसीजेस हाउस फ्लाई के थ्रू हो जाते हैं, तो दे ट्रांसमिट द डिसेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा, ऐसे डिसीजेस किसके थ्रू हो जाते हैं, तो दे आर ऑकर थ्रू द इसके थ्रू हो जाते हैं, हाउस फ्लाई के थ्रू हो जाते हैं। देन उसके बाद में हनी बी, अब ये हनी बी मगर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट आर्थ्रोपोड्स रहते हैं, उनकी यूजेस रहते हैं। अब हनी दे आर रियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, उसके थ्रू हनी जो प्रोडक्ट रहता है ना, हनी बी के थ्रू हनी मिलता है और वैक्स मिलता है, ये प्रोडक्ट हनी बी के थ्रू मिल जाते हैं। देन कॉलोनी ऑफ कॉकरोच हैव अ क्वीन बी, उसको क्वीन बी बोला जाता है, दैट इज द फर्टाइल फीमेल, उसको फर्टाइल फीमेल बोला जाता है। एंड ड्रोन बीज, ड्रोन बीज बोले तो सिर्फ वो फर्टाइल मेल्स रहते हैं। एंड वर्कर बीज, वर्कर बीज जो रहते हैं उनको स्टराइल फीमेल्स ऐसे बोला जाता है, दीज आर द स्टराइल फीमेल्स रहते हैं, और उनके जो मेल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज हैप्लॉयड, एंड फीमेल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज डिप्लॉयड। मेल्स हैप्लॉयड रहते हैं और फीमेल्स डिप्लॉयड रहते हैं। देन उनके थ्रू जो हनी प्रोड्यूस किया जाता है, दैट हनी इज ऑफ वर्कर बीज, वो हनी जो प्रोड्यूस करने वाले जो रहते हैं उनको वर्कर्स भी, जो वर्कर्स भी बोले तो जो हनी कनेक्ट कर नेक्टर कनेक्ट कर देते हैं और उसके थ्रू हनी को प्रोड्यूस करवा देते हैं, उसको वर्कर बीज बोला जाता है। तो दिस इज अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये फाइल